हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल थ्री पी बी हैप्पी। मैं हूँ प्रिया। अक्सर हम लोगों से सुनते रहते हैं कि आपको CTM करना चाहिए, तो मैं बताती हूँ आज आपको CTM क्यों करना चाहिए और CTM क्या है। तो CTM मींस क्लिंजिंग टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। आपकी हेल्दी स्किन को, आपकी स्किन को ग्लो बरकरार रखने के लिए आपको CTM करना चाहिए। तो CTM में जो क्लिंजिंग है वो दो तरह की होती है। अगर आपने मेकअप किया हुआ है तो आप मेकअप क्लीनिंग करेंगे, और अगर आप बेयर फेस हैं तो आप सिर्फ फेस वॉश करेंगे। तो मैं बताती हूँ कि मैं क्लीनिंग के, मेकअप उतारने के लिए मैं कोई भी ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं आप। मैं अभी ये हिमालय का क्लिंजिंग मिल्क यूज़ कर रही हूँ, आयुर का भी आता है, बहुत सारे क्लिंजिंग मिल्क आते हैं, आप कोई भी यूज़ करिए। बट प्लीज़ मेकअप लगा कर आप सोइए नहीं, क्योंकि वो उसमें जो हार्श केमिकल होते हैं वो आपके फेस को बहुत ख़राब कर सकते हैं। जब आपने अच्छे से फेस वॉश कर लिया है तो फेस वॉश करने के बाद हमारी स्किन के सारे जो एसेंशियल्स ऑयल्स हैं वो सब निकल गए हैं, तो आपको अपनी स्किन को हाइड्रेट करने के लिए एक टोनर लगाना होता है अपनी फेस पर। उस प्रोसेस को कहते हैं टोनिंग। तो आप एज अ टोनर, बहुत सारे मार्केट में टोनर्स भी अवेलेबल हैं, तो मैं अभी एज अ टोनर गुलाब जल को भी अप्लाई कर लेती हूँ कभी कभी, और अभी मैं अपना होममेड DIY टोनर यूज़ कर रही हूँ। मैं इसकी प्रोसेस आपको बहुत जल्दी बताऊँगी। तो टोनर बेसिकली होता क्या है, टोनर आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, आपकी स्किन का जो हाइड्रेशन मॉइस्चर लेवल है उसको कंटिन्यू बरकरार रखता है। तो आपको टोनिंग करना बहुत ज़रूरी है, आपकी स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करता है, उसमें बहुत अच्छे से नमी प्रोवाइड करता है, इसलिए टोनिंग बहुत जरूरी है। और मैं तो ये कहूँगी CTM हर किसी को करना चाहिए। आफ्टर 30 CTM इज मोस्ट कंपल्सरी, और आफ्टर डिलीवरी ऑल्सो इट्स मोस्ट कंपल्सरी, बिकॉज हमारे हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं, हमारी स्किन पर कहीं कहीं पिगमेंटेशन, डार्क पैचेस की प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आप CTM रूटीन दिन में एक बार, और हो सके पॉसिबल तो रात में भी अगर आप CTM करके सोते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत जल्दी अपनी स्किन में बहुत सारे चेंजेस देखेंगे। फिर CTM करने के, सॉरी टोनिंग के बाद आपको क्या करना है, अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना है, क्योंकि अभी हमारी स्किन क्या हो गई है, हाइड्रेट हो गई है। छोटे छोटे पोर्स से जो लिक्विड हमने टोनिंग अप्लाई किया अपने स्किन पर, वो छोटे छोटे पोर्स से हमारे अंदर जा चुका है। अभी हमको उसको लॉक करने के लिए एक मॉइस्चराइज़र चाहिए, जो हम एज अ मॉइस्चराइज़र यूज़ करेंगे, ताकि एक अच्छी सी लेयर प्रोवाइड कर दे हमारे फेस पर, और जो दिन भर चल सके, क्योंकि टोनर बहुत ही लाइट होता है, वो उड़ सकता है, तो उसको लॉक करने के लिए हमको मॉइस्चराइज़र चाहिए। तो आप कोई भी अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं ये बेबी क्रीम हिमालय की एज अ मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको बाहर जाना है तो आप सनस्क्रीन लगाकर भी जा सकते हैं, एटलीस्ट SPF 25 होना ही चाहिए, नॉट लेस देन 25। तो ये वाला अभी मैं VLCC का सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ। तो अब आपको समझ में आ गया कि CTM क्यों ज़रूरी है। तो CTM इज़ मोस्ट कंपल्सरी इन योर बेसिक हेल्दी स्किन केयर रूटीन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे छोटे छोटे DIY और मैं और अच्छे अच्छे फेस के लिए टिप बताती रहूँगी। थैंक यू, बाय बाय।